ओके इज माई वॉइस क्लियर गुड मॉर्निंग एवरी वन राधे राधे एवरी वन गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब लोग गुड मॉर्निंग थोड़ गुड मॉर्निंग टैगौर भरद्वाज गुड मॉर्निंग रुकसार गुड मॉर्निंग निखिल गुड मॉर्निंग कशिश गुड मॉर्निंग टू एवरी वन राधे राधे एवरी वन आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग अमेजिंग एंड आप सब लोग तैयार हो इस पावर पैक सेशन के लिए गुड मॉर्निंग कोमल गुड मॉर्निंग क्वीन आर्ट ठीक है अपना नाम प्लीज रेफर कर दीजिए तो की मैं नाम बोल सकूं आप सबको गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी आई होप दैट यू आर अमेजिंगली वेल एंड आप सब रेडी हो गुड मॉर्निंग चंदन रुक्सार मैं बिल्कुल ठीक हूं आप कैसे हो ये बताइए पहले तो मुझे गुड मॉर्निंग रुचि चलिए फटाफट अभी लोग अभी के अभी जो है सब लोग स्टेटस लगा दीजिए कि भैया आ चुके हैं आपके शशांक भैया आ चुके हैं आज आपको सोगा का पहला रिकॉल क्लास करवाने के लिए तो ये सबसे एक्साइटिंग चीज है कि हम रिकॉल लेक्चर नंबर वन आज करेंगे सोगा का और धूम धाम मचा के इसको खत्म कर देंगे राधे 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 आई होप दीबडी इज डूइंग अमेजिंगली वेल और हम लोग शुरू कर सकते हैं अपने क्लासेस को ठीक है एक बार के लिए मैं और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो कर दो क्योंकि आज का सेशन भी धमाकेदार होने वाला है ठीक है एंड मैं जो अपना ग्रुप्स है अपने उन सब में शेयर कर देता हूँ ताकि आप सबको आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए जी सर हाय स्नेहा हाय अंजलि ओके सो मैंने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप था उसमें भी शेयर कर दिया है गुड मॉर्निंग ऐश्वर्या आप सब लोग फटाफट अपने स्टेटस में अपने इंस्टाग्राम में अपने व्हाट्सएप में लगा दो कि हम लोग रिकॉल लेक्चर करने वाले हैं सोगा का एंड इट इज गोना अब लिट ठीक है बट बिफोर आई बिगिन जस्ट अ स्मॉल अपडेट

कोई भी स्टूडेंट जो उस ग्रुप में है वो उस लिंक को चैट में शेयर कर सकते हैं आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप टेलीग्राम में जाके लॉ बाय शशांक साबू सर्च कर सकते हो लॉ बाय शशांक साबु सर्च कर सकते हो वहां पे आप टेलीग्राम ग्रुप में लिंक ऐड अपने आप को कर सकते हो वहां पे हम रेगुलर अपडेट्स वगैरह ले रहे हैं ठीक है कुछ बच्चों ने कल का अपडेट्स मुझे दिया कि, कि किन्होंने क्या क्या खत्म किया इट्स अ गुड साइन अच्छी बात है आप सब लोग अगर बाई चांस अभी तक नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा जी सर हम कर लेंगे ओके तो मैं हाईली रिक्वेस्ट करूंगा की आप लोग आज का रिकॉर्ड लेक्चर करने के बाद में स्पेशल लिंक का क्लास दिया हुआ है लिंक दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप देखना चाहते हो ठीक है इट्स देर इन द डिस्क्रिप्शन ठीक है इंडिया के जीता यार मजा आ गया देखिए वही से तो ठीक है आप जाके यहाँ पे ठीक है प्लेलिस्ट का लिंक वगैरह में आप मुझे जाके यहाँ पे फॉलो कर सकते हो ठीक है ताकि आपको मेरा जो है लिंक मिल जाए और देखिए फ्री एडुकेटेड है एक्सेस टू तो फ्री एडुकेटेड क्लासेस इसको आप लिंक करके क्लिक करके आप मुझे जो है गुड मॉर्निंग रिया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कृष्णन ठीक है एल वेंटा कृष्णन ओके गुड मॉर्निंग ओके ग्रेट फ्रॉम तमिलनाडु ग्रेट ठीक है क्या आप मेरी क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हो या आपने पहले ज्वाइन कर लिया टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आप आ, सर आपकी कोई लिंक नहीं है जिससे ये रफरी लेक्चर्स का लिंक आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो आपको सिर्फ क्लिक करना है इसे ठीक है अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया या फिर कुछ डेडिकेशन अगर आप देना चाहते हो तो मुझे दे सकते हो बाकी ऑल द क्लासेस ठीक है? और जब मैं आज का क्लास आज का होगा, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सोगा जो शुरू से लेके मुझसे सोगा कर रहे हैं यूनिट नंबर थ्री हम लोग कर रहे हैं वहां पे ठीक है और यहीं पे इसी क्लास में आज शाम को साढ़े आठ बजे शाम को साढ़े आठ बजे ध्यान दीजिएगा आज अभी कितना सुबह साढ़े नौ बजे यूट्यूब में और आज रात को सारे आठ बजे ऑन द स्पेशल क्लासेस में सो यूनिट नंबर थ्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करवाऊंगा यूनिट नंबर थ्री का जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोगों का लिख के रखा है ठीक है बहुत बढ़िया दिया बहुत बढ़िया अगर आपने मेरी सारे क्लासेस की है वेरी नाइस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी ठीक है तो अगर आपने क्लासेस किए आपको ज्वाइन करना है बाकी सारे क्लासेस जो है आप बिंदास तरीके से देख सकते हो एंड आप ये वाले क्लासेस को कर सकते हो ठीक है अगर आप एक फास्ट ट्रैक बेसिस में करना चाहते हो आज की क्लासेस कर लीजिएगा इसी में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा जिसको आप ज्वाइन करके अपडेट्स ले सकते हो मेरे सारे क्लासेस का राइट तो इसीलिए आप लोग आज का क्लास जो है इवनिंग इवनिंग कब इवनिंग कब एट एट थर्टी पी एम आप मुझे स्पेशल क्लास में ज्वाइन करोगे सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करने का आपको मिल जाएगा ठीक है नमस्ते 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 और अभी तक आप आपने मुझे फॉलो नहीं किया है अन अकेडमी ऐप में तो फॉलो कर लो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ठीक है एंड शुरू करते हैं मैं हूं आप सबका अपना शशांक भैया ठीक है राधे राधे एवरीवन कोई बात नहीं एम डी इबेन आई थून अगर आप अपना रियल नाम बता दो तो अच्छा रहेगा ठीक है थेके? या फिर कैसे प्रनाउंस करते हैं वो बता दो तो अच्छा रहेगा अगर आपका फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका सोगा पढ़ा हुआ है पहले तब तो ये रिकॉल क्लास विल बी सफिशियंट ठीक है पर अगर आपका सोगा पहले पढ़ा हुआ नहीं है तो ये रिकॉल क्लास देखिएगा ठीक है उसके बाद में आप जाके मेरा जो फ्री क्लासेस है उनको आप जाकर फटाफट देख के आइएगा जैसे एल एल पी के सारे रिकॉल क्लासेस अगर आप देख सकते हो है यहाँ पे तीनों रिकॉल क्लासेस सोगा का यूनिट वाइज सारे लेक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं यू कैन वॉच द लेक्चर्स इजिली एंड गेट यूर से वेरी कॉन्फिडेंट इन सच अ टेक्निकल चैप्टर तो सब तरफ से मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ बट अगर आप एक Uh, जून के एस्पायरेंट हो या फिर कोई भी आप, हो, तो आप मेरा कोड साबुट इस्तेमाल कर सकते हो मोर ओवर सर आज तो आपको शाम को रात को साढ़े आठ बजे मुझे वैसे भी मिलना चाहिए क्योंकि आज लास आज लास्ट लास्ट डे डे है 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 क्या सर स्पेशल क्लासेस का लर्निंग फेस्टिवल का जहां पे सारे फीचर्स आर अनलॉक टिल टूडे यानी कि डाउट क्लियरिंग सेशन बोलो या इंटरक्टिव पोल बोलो एंड यू लाइव चैट ऑप्शन विद एडुकेटर्स तो आपको ये ऑफर अवेल करना है

आप मुझे प्लीज अन में फॉलो कर लीजिएगा लॉ बाय साबू ठीक है लॉ बाय यू हैव रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन फॉर डिसम्बर ट्वेंटी थ्री बट अपना मंत्र का जो मंत्र है वो बिल्कुल सेम रहेगा अब की बार हम लोग को करना है डिसंबर पार ठीक है और ठीक है हाँ हो सकता है आई डोंट नो और भी अच्छे अच्छे बहुत अच्छे टीचर्स है लॉ के जो भी हमारे प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं ठीक है एंड दे आर डूइंग अमेजिंगली वेल और हम भी कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करें जी आइए सर शुरू कर दीजिए फटाफट हम लोग को इंतजार नहीं हो रहा है सर ठीक है हमें इंतजार नहीं हो रहा आप फटाफट शुरू कर दीजिए ठीक है बट डोंट फर्गेट टू अवेल द स्पेशल क्लासेस स्पेशल क्लासेस का ज्वाइनिंग आपको करना है टुडे एट 8:30 थर्टी पी एम स्पेशल क्लास में लिंक में दिया हुआ है आप जाके लिंक को क्लिक करिएगा उसी स्पेशल क्लासेस में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको दे दूंगा तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकोगे ठीक है तो डेफिनेटली डोंट मिस आउट टूडे एट थर्टी पी एम का क्लास इन द नाइट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है आपका किसका स्पेशल क्लासेस का एंड द स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल इज गोइंग ऑन भैया मैं खाली आपके लेक्चर ले ले आता हूँ ठीक है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे क्लासेस कर रहे हो एक्सेलेंट है बहुत अच्छी बात है बट बिकॉज आपके पास टाइम कम है इसलिए मैं आपको बोलूंगा पीछे पीछे आप प्लीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए ठीक है क्योंकि आई हैव लिमिटेड अमाउंट टाइम इट्स बेरली टूमोरो विल बी वन मंथ फॉर मी हम लोग ने बहुत कुछ चीज वैसे तो कर लिया है बट तो आपके पास समय कम है और समय ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीशन का समय कम है आपके पास रिविजन का समय कम है इसलिए मैं बोलूंगा शुरू कर दो पढ़ना बाकी जो चैप्टर्स मैं करवा रहा हूँ वो तो पीछे पीछे मैं पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से विथ क्यू एंड ए करा रहा हूँ आपको तो वहां तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है सभी लोग ने स्टेटस लगा दिया और जो बच्चे अभी जुड़ेंगे वो लास्ट तक रुकेंगे कोई नहीं जाएगा मैं एक सिंपल सा वॉर्डिंग है मैं पहले बताता हूँ आपको आप शुरू से लेकर लास्ट तक आपको मन है तो आप अभी चले जाओ

आप उसको प्लीज जाके देखिए आपका दिमाग खुल जाएगा एक बार के लिए और मैं आपको एक चीज बहुत जरूरी बता देता हूं ठीक है कि अब की पार अपने को सीए का दिसंबर को पार करना है और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको ना 300 प्लस भी लेकर आना रुखसार पार्टनरशिप भी होगा डोंट वरी अबाउट इट कई स्टूडेंट्स ने मुझे सोवा का रिकॉल लेक्चर का रिक्वेस्ट किया इस वजह से मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा जो बच्चे जुड़े हुए हैं शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ में जुड़िए और आप लोग सब लोग इस बार डिसंबर पार करना है अपने को करना ही है करना ही है और करना ही है बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट ठीक है और आज का स्पेशल क्लास भी आपको अटेंड करना है उसको भी मिस आउट नहीं करना है

सेल ऑफ एक्ट Act थर्टी इस इस ठीक है थेके? हम लोग बहुत जन इसको छोड़ने की सोच रहे हैं पहले तो मुझे ये बताइए सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला है जो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला है आप सबके लिए उस हेडिंग में गलती क्या है बताइए टेल मी मिस्टेक इन ठीक है टेल मी मी सबसे पहला जो गलती हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं ठीक है वो क्या है आपका इट इज नॉट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो आप जब भी कोट करोगे एक्ट को हम लोग बहुत जन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लिखते हैं इट 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 इज 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 नॉट सेल्स ऑफ 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 गुड्स 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 एक्ट 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 सेल सेल द थर्टी पहली मिस्टेक जो बहुत बच्चे करते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी द सेल ऑफ हेलो हेलो ठीक है पहला सेक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन नंबर वन सेक्शन नंबर वन ऑफ एनी सेक्शन टॉक्स अबाउट फोर थिंग्स सेक्शन नंबर वन ऑफ एनी सेक्शन टॉक्स अबाउट फोर थिंग्स शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट टाइटल

पहले था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब यह हट चुका है बिकॉज़ ऑफ आर्टिकल 370 अब इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया आफ्टर आर्टिकल 370 इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एंड ऑब्वियसली इट केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930 इट केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑफ जुलाई 1930 नो

सबसे पहला सेक्शन जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट राइट ठीक है तो मेरे दिमाग में कई सारा सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में क्या कई सारा सवाल आ रहा है सर ये एक्ट जो था ना पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ठीक है

ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिलेगा and the basics about contract should be known while you are studying the sale of goods act मैं दिमाग में सबसे पहला सवाल आएगा सर सबसे पहला सवाल, जैसे मैं बोलता एक एक शब्द लिखने वाला हूँ सोगा बोलता हूँ सोगा किसको कवर करता है सोगा जो है किसको कवर करता है जैसे हर एक एक्ट कोई स्पेसिफिक रीजन के लिए बनता है ना हर एक एक्ट जो है वो स्पेसिफिक रीजन के लिए बनता है सोगा किस चीज के लिए बना है सोगा जो है ना द सेल ऑफ गुड्स एक्ट ठीक है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एज word सजेस्ट किसके लिए बना है आप मुझे बताइए के लिए बना किसके लिए बना हुआ आपका फॉर गुड्स बनावा और गुड्स को समझने के लिए लोग प्यार से सुनेगा तभी आपको इस रिकॉल लेक्चर का मजा आएगा और तभी आप कर पाओगे सेक्शन नंबर फोर टॉक्स अबाउट नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ठीक है जहां भी हम सेल के बारे में बात करेंगे ना सर टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको अच्छे से पता है बिकॉज यू हैबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर जब भी हम सोगा का बात करेंगे वो एक्चुअली में फोकस किसके ऊपर कर रहा है ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब ये पूरा का पूरा एक्ट जो है इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है ठीक है इट इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रेक्ट ऑफ सेल सर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है कॉन्ट्रैक्ट का सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीजें इंक्लूड होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भैया दो चीजें इंक्लूड होता है सभी बच्चे जो मेरे से पढ़े हुए हैं बताइएगा मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीजेंट एंड नंबर नंबर टू इज वॉट सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल पहला क्या है आपका सेल और दूसरा क्या है आपका

सेल एंड टू सेल सेल एंड टू सेल सर सेल का मतलब क्या होता है सर सेल का मतलब होता है अगर मैंने कोई सामान को ठीक है जो सामान एग्जिस्टिंग में है एग्जाम्पल आपको किराने की दुकान में गए आपने बोला भैया मुझे वो दस रुपए का मैगी देख रहा है आप उसका हाथ दिख रहा है ना वो अली मैगी की पैकेट दे दो ठीक है मैंने वो मैगी की पैकेट ले ली मैंने वो मैगी की पैकेट ले ली इसे हम लोग बोलेंगे सेल इसे हम क्या बोलेंगे सेल जब हमने हाथों हाथ सामान देखा परचेज कर लिया हाथों हाथ

नॉट एक्सिस्टिंग ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ठीक है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के वक्त में गुड्स अवेलेबल नहीं है, exist नहीं, exist नहीं करता है उसे हम लोग बोलते हैं एज अग्रीमेंट टू सेल फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपने आईफोन फिफ्टीन का वन टीबी का मॉडल बोला कि मुझे आईफोन फिफ्टीन प्रो वन टीबी वाला मॉडल चाहिए मैंने बोला सुनिए अभी मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है पर एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपको मंगवा के दे दूंगा तो इसे हम बोलेंगे सेल सर अभी कभी मेरे पास में फोन बगर में पड़ा हुआ है मैंने फोन लिया और आपको बेच दिया सेल बट सर अभी वो अवेलेबल नहीं है मैं आपको या तो मंगवा के दूंगा या तो आपको बनवा के दूंगा जैसे एग्जांपल सर आपने बोला मेरे फोन के लिए मुझे गोल्ड कवर का गोल्ड कलर का कवर चाहिए पूरा गोल्ड चाहिए पूरा मतलब ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड का कवर चाहिए मुझे मैंने बोला सर अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है बट अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए वो बनवा के दे दूंगा मैं आपको बनवा के दे दूंगा उसे हम लोग बोलेंगे एज अग्रीमेंट टू सेल क्या बोलेंगे हम लोग उसे एज अग्रीमेंट टू सेल वेरी गुड सर वेरी गुड समझ में आ गया सर क्लियर है बिल्कुल तो सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कि सोगा जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट को हम प्यार से

हाँ सर बिल्कुल स्मूथ है सर एकदम डिफिकल्टी नहीं हो रहा एकदम ईजी एकदम पीजी हो गया कोई दिक्कत नहीं है सर ओके अब हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा देखिए क्या लिखा हुआ और इसी से हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे और उस सवाल को सॉल्व करते करते दिस यूनिट विल बी ओवर अमेजिंग सर अमेजिंग ठीक है देखिए तो सेक्शन नंबर फोर से हमने शुरू किया वैसे तो हम सेक्शन नंबर वन टू थ्री फोर ऐसे करते हैं बट इस बार समझाना जरूरी है इस वजह से मैंने आप सबको इस तरीके से स्टार्ट किया है

वही सर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा था सर हाँ, वही कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन वही कॉन्ट्रैक्ट के हैं। seller, seller, sir, ये कौन होता है? वैसे नॉर्मली सबको पता ही है, कि का मतलब क्या होता है? जो सामान बेचता है जो सामान बेचता है बट सर क्या सेलर का डेफिनेशन सोगा में दिया हुआ सर yes, उसका क्योंकि हमें ना ये पूरा टर्म को समझना है अगर ये पूरा का पूरा सेंटेंस को अपन ने समझ लिया ना आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी समझ में आ जाएगा और किसके ऊपर सोगा लगेगा कौन से चीजों के ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा ठीक है यस yes. सर तनिष्का हाय तनिष्का कैसे हो आप सब लोग ठीक है आई मिस्ट आउट ऑफ यू मैसेजेस आई डोंट नो ठीक है तो मैं थोड़ा सा पढ़ा मैंने मैं खो गया था तो मुझे नहीं पता सॉरी इफ आई एनी मैसेज ठीक है आइए वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स

राइट यस सर एनी एनी डाउट्स यहां तक नो ओके यस और अग्रीज टू ट्रांसफर मतलब अभी तक आपके पास सामान आपने बेचा नहीं आपने बोला है कि हाँ हम आपको ट्रांसफर करेंगे एक तो ट्रांसफर किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेल ठीक है एक तो हम बोलते हैं ट्रांसफर यानी कि सेल और एक है अग्रीज टू ट्रांसफर कौन से बच्चे मुझे बता पाएंगे अग्रीज टू ट्रांसफर का मतलब क्या होता है वट इज द मीनिंग ऑफ अग्रीज टू ट्रांसफर बताइए वॉट इज द मीनिंग ऑफ अग्रीज टू ट्रांसफर

प्रॉपर्टी का सीधा मतलब है ओनरशिप प्रॉपर्टी का सीधा मतलब क्या है ओनरशिप तो सर ओनरशिप ही लिख देते हैं लोग प्रॉपर्टी क्यों लिखा फैंसी वर्ड्स जैसे कि वॉमिट को हम लोग आजकल प्यूकिंग बोलते हैं प्यूकिंग प्यूकिंग ठीक है vomit को हम लोग क्या बोलते हैं और गॉड आई एम फीलिंग वेरी प्यूकिश ठीक है वॉमिट प्यूकिंग उल्टी एक ही तो होता है वही से प्रॉपर्टी का दूसरा नाम क्या बोला है आपने ओनरशिप क्या बोला है आपने ओनरशिप ठीक है यस इन गुड्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया पॉइंट नंबर फाइव गुड्स सर जब भी हम सोगा का बात करेंगे ना जब भी हम सोगा का बात करेंगे हम हमेशा गुड्स के बारे में बात करेंगे हम हमेशा किसके बारे में बात करेंगे गुड्स के बारे में बात करें और ये गुड्स होते क्या है ठीक है क्या एक बिल्डिंग गुड्स है क्या एक जमीन गुड्स है क्या मैं गुड्स हूँ क्या पैसा गुड्स है तो कई सारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया जब सोगा की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग स्पेसिफिकली गुड्स के बारे में बात करेंगे

सेलर कौन होता है बायर कौन होता है ट्रांसफर का मतलब होता है सेल यानी कि इमीडिएटली आपने कुछ ट्रांसफर किया एंड एग्रीज टू ट्रांसफर मतलब अग्रीमेंट टू सेल उसका मतलब अभी अभी हमने समझा था ठीक है यस सेक्शन नंबर फोर के तहत ठीक है ट्रांसफर ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया सर प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ठीक है और ये जब सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और उस पर सोगा डेफिनेटली लगेगा जी सर यस क्लियर है बिल्कुल ठीक है साथ में देखिए क्या लिखा हुआ है देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड द दर मतलब सर सोचिए मैं और भरद्वाज मिलकर ये लैपटॉप खरीदे ठीक है मैं और भरद्वाज मिलकर ये लैपटॉप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैंने खरीदा है ठीक है

क्या मानते हैं क्या मानते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मानते हैं जी सर तो अब दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आ गए आपके कि भैया कुछ सारे डेफिनेशन है जो मुझे जानना जरूरी है वैसे तो आपको डेफिनेशन आता है बट हम लोग अगर वो डेफिनेशन में क्लियर हो जाएंगे तो हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब एक्जैक्टली exactly और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा जी सर आइए सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा सर कि सर आखिरकार एक बायर कौन होता है और एक सेलर कौन होता है सबसे पहले ये था ना वेरा सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि सेलर कौन होता है सर सेलर वो होता है जो गुड्स को सेल करता है यानी कि सेल या फिर ही अग्रीज टू सेल यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे सर ऐसे वो इसको बोलेंगे अग्रीमेंट टू सेल समझ में आया यानी कि सेलर वो होता है जो या तो सामान अभी, अभी बेचता है उसको भी हम सेलर बोलते हैं जो ये बोलता है कि देखो अभी मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है मैं बाद में पक्का आपको सामान ला के या फिर बना के दे दूंगा उसे भी हम सेलर बोलते हैं आज तक आपको जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हुआ था कि सेलर मतलब वो इंसान जो सामान बेचता है ठीक है ये तो हमें पता था बट आपको सोगा ये बताता है कि सेलर विल इंक्लूड अ सेलर ऑफकोर्स हु सेल्स बट हु टू सेल आप दुकान में गए आप बोले कि भैया आपके पास में

ठीक है यानी कि वो इंसान जो आ, या तो हाथों हाथ खरीदता है उसको भी हम बायर बोलते हैं एंड जो कि बोलता है कि ठीक है मैं तीन दिन में आता हूं या तीन दिन में आप मुझे भिजवा दीजिएगा तो एग्रीज टू बाय बिकम्स द बायर बात समझ में आया आपको जरूरी जो इंसान खरीद के लेके जाए वही सिर्फ बायर है जो बोलता है कि ठीक है मैं तीन दिन बाद लेके जाऊंगा उसको भी हम बायर की नजर से देखेंगे ठीक है किसकी नजर से देखेंगे बायर की नजर से देखेंगे क्लियर है सर तो आपने सबसे पहले कहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आपने हमें समझाया सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल जो हाथों हाथ एग्जिस्टिंग गुड्स के ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल और जो सर ऐसा है कि बाद में अग्री करते हैं बेचने के लिए उसे हम बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल और उसके लिए होता है बायर एंड सेलर उसका मतलब आपने हमें समझा दिया ब्यूटीफुल तरीके से वैसे तो आप रिकॉर्ड लेक्चर करा रहे हो बड़ ऐसा लग नहीं रहा है कि रिकॉर्ड लेक्चर आपका हो रहा है ऐसा लग रहा है डिटेल लेक्चर ही हो रहा है यस आई एम जस्ट कटिंग ऑफ अ फ्यू कुछ कुछ चीजें जो है मैं फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट निकाल सको इस लेक्चर से अगर आपने एक बार भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है या आपको हल्का सा भी है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत फायदा होगा भैया जैसे जनरल स्टोर में स्टॉक आउट होने के बाद में भी सेलर खाते हैं कि कहते हैं कि दो तीन में स्टॉक आ जाएगा हाँ तो वो एक एग्रीमेंट टू सेल है और उसे भी हम सेलर मानते हैं और उस पर सोगा लगेगा देखो सीधी सी बात है सर हम लोग सोगा क्यों पढ़ रहे हैं हर एक एक्ट के पीछे एक लॉजिक है आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा क्यों बिकॉज अगर कंपनीज के प्रोविजन होंगे तो कंपनीज किस तरीके से काम करेगी वो कंपनीज एक्ट गाइड करता है एलएलपी के लिए आपने एलएलपी एक्ट पढ़ा सिमिलरली अगर हम लोग सामान का बेचना खरीदना हो रहा है चाहे वो अभी या बाद में कभी भी हुआ उस पर हम सोगा का एक्ट को रेफर करेंगे सही बात है ना तो आगे जाके कुछ भी इश्यूज अगर आपको हुआ या आपके क्लाइंट को इशू हुआ इन रिलेशन टू सेल और परचेज ऑफ गुड्स तो आप सोगा को रेफर करोगे द सेल ऑफ गुड्स एक्ट ठीक है मैं बार बार सर सोगा 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 कर रहा हूं आपको ये तो समझ में आ गया दैट इट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों आता है सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल बट इट डील्स विद वॉट हम लोग किन चीजों को सोगा के अंदर मानते हैं ठीक है जिस चीज को हम सोगा के अंदर मानते हैं वो क्या है आपका गुड्स वो क्या है आपका गुड्स है ठीक है वो क्या है आपका गुड्स ठीक है ठीक है यस सर सर गुड्स का मतलब क्या होता है ठीक है गुड्स का मतलब क्या होता है नाउ गुड्स का मतलब अंडर सोगा मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एवरी काइंड ऑफ वॉट एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ठीक है एवरी काइंड ऑफ वॉट मूवेबल प्रॉपर्टी हर एक चीज का जो मूवेबल प्रॉपर्टी अभी ग्लास है ग्लास मूवेबल है यस yes, सर तो ये क्या है गुड्स है क्या ये पेंसिल जो है क्या ये मूवेबल है यस yes, सर ये भी एक ये भी क्या है एक गुड्स है ठीक है ये जो इसके ऊपर लगाते हैं मुझे पता नहीं ये जो ऊपर थकते हैं ना ये क्या मूवेबल है आंसर इज यस सर तो ये भी क्या है गुड्स है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ गुड यानी कि सर जो इनमुबल प्रॉपर्टी होता है जैसे बिल्डिंग वगैरह जो होते हैं वो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आते हैं यानी कि यानी कि सर

पैसा वैसे तो मूवेबल है पैसा रुपया करेंसी ठीक है इज अ इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी बट बट मनी विल नॉट बी टर्म एज अ गुड क्योंकि हम लोग सामान खरीदने के लिए पैसा यूज करते हैं उसको हम गुड्स के डेफिनेशन में नहीं मानते अदर देन टू थिंग्स मनी एंड एक्शनेबल क्लेम ठीक है अदर देन वॉट मनी एंड एक्शनेबल क्लेम सर एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं आपको एक्शनेबल क्लेम क्या होता है समझो बात को ठीक है सुनो आपने किसी को भाड़ा दे के रखा है आपने किसी को भाड़े में देकर रखा है अपने भाड़े में देके रखा है उसने अभी तक रेंट नहीं दिया है ठीक है तो यू 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 हैव 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 अ अ अ राइट राइट ओके कि आप चाहो तो उससे पैसे जो है क्लेम कर सकते हो अगर मुद्दा कोर्ट में चला गया अगर मुद्दा कोर्ट में चला गया तो कोर्ट क्या ऑर्डर देगा आपको कि आपके पास हक है कि आप जो है इससे रेंट रिकवर कर सकते हो यू कैन क्लेम एन अमाउंट यू कैन क्लेम एन अमाउंट उसको हम लोग बोलते हैं एज एक्शनेबल क्लेम तो ऐसा कोई भी हक जो लीगली आपको मिल रहा है ऐसा कोई भी हक जो आपको लीगली मिल रहा है उसको हम बोलते हैं एज एक्शनेबल क्लेम इन शॉर्ट ठीक है इन शॉर्ट ठीक है इन शॉर्ट हम बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम उसको भी हम गुड्स के डेफिनेशन में नहीं मानते बिकॉज आर क्लेम्स और इसलिए हम इसे हम इसे गुड्स के डेफिनेशन में नहीं मानते गुड्स के डेफिनेशन में हम क्या मानते हैं एवरी एवरी काइंड काइंड ऑफ ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ठीक है गुड्स इंक्लूड वॉट एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम ठीक है अदर देन वॉट मनी एंड एक्शनेबल क्लेम अदर देन वॉट स्पीक विथ मी जो साथ में नहीं बोलेगा मैं बता रहा हूँ

उस पर सोगा नहीं लगता है जनरली जो इमुएबल प्रॉपर्टीज होते हैं उस पर सोगा नहीं लगता है बट इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है छोटा सा एक्सेप्शन आप देखिए क्या लिखा हुआ है जैसे कि जैसे कि क्या हुआ ग्रोइंग क्रॉप्स है ग्रास है या फिर कुछ चीजें हैं जो थिंग्स और अटैच्ड फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड है सर मतलब जैसे एग्जाम्पल गेहूं आप उगा के रखे हो तो अभी वो फिलहाल क्या है जमीन से अटैच्ड है गेहूं अगर आपने लगा के रखा है तो वो जमीन से अटैच्ड है या फिर बहुत सारा मैंगो ट्रीज है वहां पे मैंगो लगेगा जनरली क्या होता है हम लोग ना गेहूं जब करते हैं तो हम लोग कैसे गेहूं को कैसे करते हैं ये गेहूं हम लोग उगाएंगे और फिर फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे गेहूं को कट करके निकाल देंगे या फिर मैंगो को क्या करते हैं पूरा फार्म का बात करते हैं कैसे बात करते हैं कि देखो अभी तो फिलहाल हम लोग ने मैंगो का डील कर लिया है बट आगे जाके इस मैंगो को मैं प्लक कर लूंगा तो फिलहाल तो वो फिलहाल तो वो थिंगस और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड फिलहाल वो जमीन से जुड़ा हुआ है बट फ्यूचर में हम उसे करेंगे या तो बिफोर द सेल और अंडर दल यानी हमने अग्री कर लिया है, कि अभी ये जमीन से है फ्यूचर में इसको हम कट करके अलग कर देंगे या फिर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमने बोला कि देखो, अब ये मैंगो को मैं निकालना चाहता हूँ ये इट इज अमोवेबल प्रॉपर्टी शुरू में बट क्योंकि आपने इसको अग्री कर लिया सीवियर करने से सीवियर मतलब अलग करना है। जुदा हो के भी, तो, है। है? तो सीवियर अगर आप करने को एग्री कर ले हो कब या तो बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम में दोनों में से कभी भी अगर आप उसको एग्री कर रहे हो तो भले ही वो जमीन से जुड़ा हुआ था भले ही वो शुरू में इमूवेबल था फिर भी हम उसे डेफिनेशन ऑफ गुड्स में मानते हैं जैसे तुषार ने कहा केचप यस yes, टमाटो का केस में टमाटो पहले जमीन में लगा हुआ रहेगा पहले ही आपने एग्री कर कि देखो जब टाइम आएगा तो मैं टमाटो को यहाँ से निकाल के ले जाऊंगा जब अग्री टू बी सीवियर उनको जुदा कर रहे हो आप जमीन से तो उसे हम तो उसे हम गुड्स के डेफिनेशन में मानते हैं सर मक्खन है सर मक्खन

पन्ना सर दूसरा भी एकदम की ताकत बहुत होती है बट सेल करने के लिए सेल ऑफ गुड्स के लिए आपको दो पार्टीज चाहिए एक बायर चाहिए, और सेलर चाहिए बायर कौन होता है सर हू बाइज और अग्रीज टू सर जिसने सामान खरीदा और जो बोलता है कि मैं सामान खरीदूंगा उसको हम बायर कहते हैं सेलर कौन होता है सर सेल्स और अग्रीज टू सेल जो बेचता है अभी फिलहाल बेचता है या फिर बाद में जाकर बेचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं अग्रीज टू सेल और और उसे हम मानते हैं एज सेलर ठीक है है किन में डील करता है ये लोग सोगा के अंदर गुड्स गुड्स पे और का मतलब क्या होता है गुड्स मीन आप सब लोग अगर नहीं बोल रहे हो मेरे साथ में मैं बता रहा हूँ आपको बोल बोल के पढ़ो पार्टिसिपेट करके पढ़ो कि आपका मेरे साथ में सोगा कंप्लीट हो जाए ठीक है ये डबल टॉपिक मैंने स्पेशल क्लासेस में ऑलरेडी फास्ट ट्रैक के फॉर्म में करवा दिया है फिर भी मैं आपको यहाँ पे वापस इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका रिविजन हो जाए ठीक है आपके बेनिफिट के लिए करवा रहा हूँ तो लोगों से यार बहुत मेहनत होता है सब लेक्चर्स में वापस से ठीक है तो आप लोग प्लीज स्प्रेड करो बिल्कुल बढ़िया से यस सर हम लोग स्प्रेड करेंगे हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे सर थैंक यू थैंक यू कंटिन्यूइंग हनी ठीक है और आप लोग आराम से पढ़ते रहिए अच्छे से आई गुड्स का मतलब क्या होता है साथ में बोलिए साथ में बोलिए गुड्स मीन देखो हर डेफिनेशन दो चीज से कहा था फर्स्ट लेक्चर ऑफ माय लाइफ इन जहां मैंने कहा था अबाउट द ऑफ लॉस उसमें क्या था हर एक डेफिनेशन या तो मीन से शुरू होता है या तो इंक्लूड से शुरू होता है गुड्स का डेफिनेशन शुरू किससे हुआ गुड्स मीन्स गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मोएबल प्रॉपर्टी गुड्स मीनस वॉट एवरी काइंड ऑफ मोएबल प्रॉपर्टी अरे यार कौन सा क्वेश्चन पूछा रही तू तो फ्लो में थोड़ा सा क्या है अपन थोड़ा फ्लो वाला बच्चा है ठीक है तो अपन फ्लो में चला था वापिस सवाल पूछेगा वापस बता दूंगा आपको ऊपर चला गया होगा चार्ट ठीक है नहीं देखा यार ठीक है गुड्स गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड नहीं होता है मनी एंड एक्शनेबल क्लेम पर साथ में क्या इंक्लूड करता है स्टॉक एंड शेयर सर जो कंपनी के शेयर्स वगैरह होता है उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी ही मानते हैं सर उसके अलावा और क्या आता है ग्रोइंग 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 है। ग्रास, जो कि फिलहाल जमीन से है, but they are agreed to be आपको याद एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या फिर बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल

ठीक है रितु सवाल पूछो अब आपके लिए मैं पूरा चार्टिस जाओगे पीछे बताओ और आई के नॉट सी एनी ऑफ हियर रितु अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो ठीक है मैं सिर्फ आपका एक डाउट सुन रहा हूँ ओनरशिप 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 बोल के बस मुझे इतना ही मिला ठीक है ठीक है बताइए एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या होता है एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या होता है जो गुड्स एग्जिस्ट करता है जो गुड्स क्या करता है एग्जिस्ट करता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रेक्ट ऑफ मैं अगर इसमें डील कर रहा हूँ सर ये क्या है ये जो ये इसके ऊपर रखा था ठीक मुझे नहीं पता कोई अगर बीसीआर में स्ट्रॉग है तो बताइएगा उसको क्या बोलते हैं इसको ठीक है तो अपन अगर इसमें डील कर रहे हैं तो क्या अभी फिलहाल ये एग्जिस्ट कर रहा है एट एट द द द टाइम ऑफ 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 कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल सेल इज इट आंसर इज वॉट यस सर इसे हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग ठीक है यस सर सर जो अभी फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता है बट फ्यूचर में डेफिनेटली आएगा आईफोन 16 क्या फ्यूचर में आएगा यस

अनसर्टेन इवेंट एग्जांपल, मेरा सामान शिप से आ रहा है कनाडा से आ रहा है लड़ाई वड़ाई हो गई थोड़ी सी है ना हल्की बुल्की तो तू तू मैं हो गई ठीक है तो उसके चक्कर में मेरा अभी तो चलो खैर क्लियरेंस आ गया बट सामान जो अटका हुआ है मैं बोलूंगा देखो मेरा शिप आने वाला है अगर आ गया तो गुड्स पहुंच जाएगा इट इज कंटिजेंट इज डिपेंडेंट इट इज डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट इट इज इज हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इट्स हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इज डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट अगर सामान शिप से आ गया

कौन शुरू से पढ़ रहा है इफ आई डील इन इफ आई डील इन एग्जिस्टिंग गुड्स अभी इसील कर रहा हूं आपसे आप खरीदोगे इसको तो

तब अगर गुड्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे एज सेल और अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है चाहे वो फ्यूचर गुड्स हो या कंटेंजन गुड्स हो बोथ विल बी कंसिडर एज एग्रीमेंट एग्रीमेंटो सेल इन तारी इट्स एग्रीमेंट एग्रीमेंटो सेल समझ में आया आपको समझ में आ गया आपको यस सर फ्यूचर गुड्स और कंटेंजन गुड्स आर वॉट एग्रीमेंट टू सेल यस इट इज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गुड्स परफेक्ट मजे ऐसा सर एकदम एक परसेंट डाउट नहीं आ रहा लग ही नहीं रहा सर रिकॉल कर रहे हैं मजा आ गया सर ऐसा आप बोलिए मैं बोल रहा हूँ

ठीक है एक शब्द होता है ओनरशिप एक होता है पोजेशन ठीक है लिखा हुआ पीछे ना एग्जिस्टिंग गुड्स में क्या लिखा होता है विच आर ओन्ड और पोजेस्ट विच आर ओन्ड और पोजेस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विच आर ओन्ड और पोजेस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सर ये ओनरशिप और पोजेशन क्या अलग अलग हो सकता है मुझे बताइए क्या ओनरशिप एंड पोजेशन अलग अलग हो सकता है क्या ownership and क्योंकि उसमें मैं अपने में बैठा हुआ मैं ही इस सामान का ओनर हूँ मैं ही इस सामान का क्या हूँ ओनर हूँ और मैं ही इसे बेच रहा हूँ ठीक है मैं इस सामान का ओनर हूँ मैं ही इसे सामान को बेच रहा हूँ ये ओनरशिप किसके पास में मेरे पास

क्या मार्केटल एजेंट्स जो एजेंट्स जो होते हैं उनके पास क्या हक नहीं होता सामान बेचने का आप मुझे बताइए yes, 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 yes. तो तो उसके पोजेशन में तो है बट ओनरशिप उसके पास में नहीं है ओनरशिप किसके पास मेरे पास में बट मैंने किसी को हक दिया है कि भाई सुन तू तो मेरे बिहाफ में सामान बेचते तो उस केस में उसको बोलते हैविंग ओनरशिप यानी कि

लीगल पोजेशन ये अलग अलग भी हो सकता है इसीलिए लिखा हुआ गुड्स रेफर्स टू गुड्स आर ओन या या तो या तो बाय द द सेलर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सर किसी के पास में अगर लीगल ओनरशिप है वो सामान बेचता है तब भी हम उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मानते हैं अगर किसी के पास में लीगल पोजेशन है और वो भी सामान बेचता है तो भी हम उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मानते हैं एंड एग्जिस्टिंग गुड्स रेफर्स टू रेफर गुड्स विच एग्जिस्ट विच एक्सिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पूरा यूनिट नंबर थ्री में भारद्वाजी चले गए क्या बात है क्या बात है, क्या बात है ये स्पेशल बच्चे हैं मेरे से जो मेरे से यूनिट नंबर थ्री पढ़ रहे हैं ठीक है वेरी nice नाइस डिफिकल्ट चैप्टर लाइक सोगा को आपने इतना बेहतरीन तरीके से याद किया तो आप क्लियर बताइए अपने नाइस ठीक है वेरी नाइस ठीक है यस सर और जिन्होंने से एक बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ लिया लिए तो एकदम पानी चल रहा हूँ पानी चल रहा है और अगर अभी तक आपने स्पेशल क्लासेस में क्लास नहीं देखा है और अगर आपने अभी तक सोगा नहीं किया है और अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप प्लीज वो लेक्चर देख लीजिएगा और अगर आपको इस लेक्चर से फायदा हो रहा है तो मजेदार चीज है खाली क्यू एंड डे देखिए वहां जाके और मजे लीजिए ठीक है क्यू एनडे भी करवाए हैं यूनिट नंबर वन का हम ठीक है उसको देख लीजिए मजे से यस सर तो क्या है सर विच आर एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दट इज दोस्ट बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ

और तीसरा होता है अनएसैटन गुड्स एक होता है स्पेसिफिक गुड्स एक होता है एसैटन गुड्स एक होता है अनएसैटन गुड्स सर व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक गुड्स स्पेसिफिक गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन व्हिच आर आइडेंटिफाइड क्या लिखिएगा व्हिच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन व्हिच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ठीक है दोस गुड्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन

हाँ हाँ वही बड़ी वाली पैकेट बस क्या आपने आइडेंटिफाई किया एक्जैक्टली exactly आपको कौन सा चाहिए क्या आपने आइडेंटिफाई किया क्या exactly एक्जैक्टली कौन सा मैगी का पैकेट चाहिए अब बीस रुपए वाला पैकेट चाहिए चालीस रुपए पैकेट चाहिए मुझे नहीं पता कितने पैकेट आते हैं ठीक है बट क्या आपने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया नहीं विच इज नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड कि कौन सा पर्टिकुलर मैगी का पैकेट चाहिए आपको ठीक है आपने नहीं किया बस आपने क्या किया डिस्क्रिप्शन दे दिया या फिर सैंपल बता दिया आपने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं किया या एसर्टेन नहीं किया एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट

ठीक है और असर्टेन गुड्स क्या होता है जब आपने पहले आइडेंटिफाई नहीं किया बाद में क्योंकि देखो ही आपने identify नहीं किया बट आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तो enter हो गए आपने बोल तो दिया ना मुझे मैगी चाहिए और बाद में आपने स्पेसिफाई किया कि मुझे ये वाली packet चाहिए तो अगर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है स्पेसिफिक गुड्स आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर फाइनल करते हो आप after the contract of sale, अगर आप फाइनल करते हो उसको हम लोग बोलते हैं है? उसको

इस तीनों टॉपिक को समझा दिया मुझे एक बार के लाउड चेयर दे दीजिए कि अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया है तो और मैं आगे बढ़ सकता हूं कुछ भी कुछ भी एग्जाम्पल सोचो आपने बोला एक बढ़िया फोन निकाल के रख देना यह क्या हो गया अनएसटेड गुड्स हो गया और बाद में जाके आप शॉपकीपर को बोला हा ये वाले फोन दे दो मेरे को स्पेसिफिकली उसको बोलेंगे असर्टेन गुड्स और मतलब कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो उस वक्त ही कर देता भाई एक फोन यार मेरे लिए चालीस हजार की एक फोन ना चालीस फोर्टी की एक फोन ना की एक फोन जो है ना मेरे लिए रख लियो ठीक तो है चालीस हजार के पांच छह ब्रांड आते हैं कौन सी अरे चालीस हजार की जाके अगर आपने बोला हाँ ये वाले फोन पैक कर दो ये हो गए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद हुआ है ठीक है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और सर अगर आप फोन लेने गए और आपने स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये फोर्टी थाउजेंड की फोन रेड कलर की फोन मुझे दे दो आप

अनसर्टन इवेंट ठीक है अनसर्टेन कंटेन्जेंसी एंड अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है ठीक है और क्योंकि उसका अभी तक श्योरिटी नहीं कि सामान आएगा या नहीं आएगा तो वो सेल नहीं है इट इज कंसिडर्ड एज एन अग्रीमेंट टू सेल परफेक्ट ठीक है यस क्लियर है बिल्कुल यहां तक एक सवाल पूछना है आपसे एक सवाल पूछना है आपसे अगर आपको समझ में बढ़िया से आ गया तो एग्रीमेंट टू सेल कब सेल में कन्वर्ट हो जाएगा आप मुझे बताइए अग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल में कब कन्वर्ट हो जाएगा यस लाइक अ लॉटरी आल्सो यस अग्रीमेंट टू सेल जो है कब सेल में कन्वर्ट हो जाएगा मुझे बताइए तो एवरीबॉडी फटाफट बताइए एजेंट तो है टाइम पासस नहीं जब गुड्स एग्जिस्ट कर रहा है अब जब गुड्स या तो मैन्युफैक्चर हो गया या फिर आपने अवेलेबल कर दिया या प्रोड्यूस कर दिया या फिर जो अनसर्टेन इवेंट था वो लैप्स हो गया आपका

या फिर ठीक है हमारे बिहाफ में वो ठीक है रेज मनी कर सकता है ठीक है ये सब कुछ कुछ पावर्स है अगर हमारे बिहाफ में है और उसके पोजेशन में है कुछ इन दैट केस उसे हम प्यार से मॉकंटाइन एजेंट बोलते हैं सिंपली क्या है Simply एक बार के लिए आप मान लो क्योंकि हम लोग उसको यूनिट नंबर थ्री में वापस से बताएंगे आपको मॉकंटाइन एजेंट क्या है हमारे बिहाफ में अगर कुछ होल्ड करता है पोजेशन में है और उसके पास लीगल राइट है कि वो हमारे बिहाफ में सेल डिस्पोज ऑफ कर सकता है सामान को उसको हम प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं एजेंट बोलते हैं क्लियर है जीस, सर सर। है बिल्कुल मजे आ गए एक बार के लिए वापस से आपको से, से, सेक्शन नंबर फोर पढ़ा रहा हूँ ठीक है वापस से मैं एक बार के लिए सेक्शन नंबर फोर पढ़ा रहा हूँ सेक्शन नंबर फोर में क्या लिखा हुआ देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स

ठीक है समझ में आया तो एक बार के लिए यस सर एक बार के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का जो है डेफिनेशन एक बार फिर से दिमाग में सेट करते हैं इसी के दौरान जो पेंडिंग टॉपिक्स है इस पे समझ में आ जाएगा कुछ डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है गुड्स ठीक है फिर उसके बाद में बायर सेलर इनके डेफिनेशन हमने कर लिया है एग्जिस्टिंग गुड्स फ्यूचर गुड्स कंटेंजेंट गुड्स का मतलब हमने समझ लिया है कुछ की और के मतलब हम लोग अभी समझ जाएंगे एज वी रीड द पर्टिकुलर सेक्शन ठीक है यस सर सेक्शन नंबर फोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है सर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ साथ में बोलेगा प्लीज मेरे साथ में बोलिए प्लीज साथ में बोलिए अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर व्हाट गुड्स ठीक है टू द बायर फॉर अ ठीक है अगर एक ज्वाइंट ओनर भी अपने दूसरे ज्वाइंट ओनर को सामान बेचता है तो भी हम उसे क्या मानते हैं हम उसे सेल ही मानते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही मानते हैं ठीक है थेके? अब आपको एक सवाल मैंने पूछा था एग्रीमेंट टू सेल जो है कब सेल में कन्वर्ट होता है मैंने आपको सवाल पूछा था देखो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है एंड एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन द टाइम टाइम्स इलेप्स मतलब पास हो गया टाइम जितना आपने कहा था आपने कहा था दो महीने में सामान मंगवा देता हूँ टाइम पास हो गया या फिर कोई कंडीशन अगर फुलफिल्ड है

जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं अंडर सोगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल केस में इट शुड बी गुड्स एंड गुड्स कौन से गुड्स ओनली मूवेबल गुड्स तो द सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैटर मैटर जो जो है जो है वो केवल गुड्स होना चाहिए सर्विसेज नहीं चलेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं चलेगा क्या चलेगा खाली सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए सर सब्जेक्ट मैटर शुड बी ओनली एंड ओनली गुड्स सब्जेक्ट मैटर जो है इट शुड बी ओनली एंड ओनली गुड्स हाँ वो गुड्स जो है चाहे वो एग्जिस्टिंग गुड्स हो तो भी चलेगा फ्यूचर गुड्स हो तो भी चलेगा और कंटिन्यूट गुड्स हो तो भी चलेगा इट कैन बी एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स इट हार्डली मैटर्स परफेक्ट दो पॉइंट तो बिल्कुल समझ में आ गया मक्खन तरीके से दो पार्टी नंबर टू सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या होना चाहिएगा चाहिए। चाहिए। प्राइस ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर प्राइज का होना प्राइज का होना प्राइज का होना जरूरी है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ से प्राइस का होना प्राइस का होना क्या है जरूरी है प्राइस का होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्राइस का होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ठीक है यस सर मतलब कि सर अगर मैंने आपको एक सामान के बदले दूसरा सामान दे दिया अगर मैंने आपको एक सामान के बदले दूसरा सामान दे दिया इसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं मानते हैं क्योंकि ये

तो अगर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हुआ है तो प्राइस का इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं है इट इज अ बैटर एंड इट विल नॉट बी कंसिडर एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परफेक्ट परफेक्ट यानी कि सर प्राइस का होना जरूरी है ठीक है प्राइस का होना जरूरी सर वॉट इफ वॉट इफ मैंने यह सामान खरीदा और आपको बदले में कैश दिया चलेगा प्राइस yes, है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर मैंने सामान दिया और बदले में पैसे लिए इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिकॉज इसमें प्राइस का इन्वॉल्वमेंट हुआ है सर अगर ऐसा होता है ना कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम लोग पुराना फोन देते हैं बदले में एक्स्ट्रा कैश भी देते हैं हम लोग फोन देते हैं साथ में एक्स्ट्रा कैश भी देते हैं है, तो क्या उस केस में हम उस पर सेल मान सकते हैं yes. सर कि इन इन चलेगा, फुल्ली इन कैश चलेगा बट गुड्स के बदले गुड्स नहीं चलेगा प्राइस का होना बहुत जरूरी है ठीक है

मैंने सामान खरीदा है और मैंने बोला है कि मैं सामान खरीद रहा हूँ पचास हजार रुपए दूंगा मैंने क्या बोला पचास हजार रुपए पे करूंगा पचास हजार रुपया उस केस में आप मुझे बताइए क्या मेरा प्राइस है हाँ क्या मैंने पे किया नहीं बट मैंने प्रोमिस कर दिया कि मैं पे करूंगा ठीक है तो सर वो अगर मैंने प्रॉमिस भी किया है ना अगर मैंने प्रॉमिस भी किया है तो भी हम उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मानते हैं पेमेंट करना अभी हाथों तो हाथ जरूरी नहीं है अनलेस अदरवाइज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि भैया पेमेंट करना जरूरी है तो बात अलग है स्पेसिफिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा तभी वैलिड होगा तो बात अलग है अदरवाइज प्रॉमिस करना भी काफी है बस खाली फ्री में नहीं होना चाहिए गिफ्ट आपको मिला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होगा गुड्स के बदले गुड्स हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होगा प्राइस का फिक्स होना प्रॉमिस करना या पे करना अनिवार्य है ठीक है बट आप पेमेंट करो जरूरी नहीं है प्रॉमिस होने से भी चलेगा बट प्राइस का होना जरूरी है प्राइस का होना जरूरी है इट्स लाइक like, आपके कोई फ्रेंड है वो बोलेगा कि भाई सुन वो बहुत बिजी हो यार मेरा एकदम मतलब अभी सुबह से लेकर शाम तक मेरे क्लासेस चल रहे हैं बहुत दिक्कत है वो क्या बोलेगा भाई देखो मैं कुछ भी काम करने के लिए नहीं दे रहा हूँ तू बस आ जाइयो तू बस आ आइये तेरा प्रेजेंस ही काफी है तो कुछ भी काम मत करना बस जब भी तेरह टाइम मिले तो बस आ जाइये वैसे कुछ प्राइस का हालत है प्राइस का होना जरूरी है चाहे पे हो चाहे प्रॉमिस हो उससे फर्क नहीं पड़ता है आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको समझ में आ गया है ठीक है सर ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स जो है place, है शुड टेक प्लेस ठीक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स जो है शुड टेक प्लेस फॉर अ प्राइस ठीक है गुड्स जो है ट्रांसफर होना चाहिए फ्रॉम पार्टी ए टू पार्टी बी वो होना जरूरी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर मस्ट टेक प्लेस द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल बात है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एप्सोलूट भी सकता है कि आपने सामान दिया और पैसे दिए और कंडीशनल भी हो सकता है कि सर मैं आपको सामान जो है दो दिन बाद ला के दूंगा या पेमेंट को मैं दो दिन बाद करूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एब्सोलूट और कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनलूट और कंडीशनल और मैं आपको कहा ही है कि जो act, जो है, ये भी अल्टीमेटली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आया है तो जितने भी असेंशियल एलिमेंट्स थे ऑफ अ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सेक्शन नंबर टेन अगर आपको याद होगा ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ठीक है ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये दो पार्टीज होने चाहिए कॉम्पिटेंट पार्टीज होने चाहिए लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए नॉट अदरवाइज डिस्कॉलीफाइड बाई लॉ ये सारे के सारे कंडीशन के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं ठीक है दिस वॉज द सेक्शन नंबर फोर विच वॉट सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल एक वो वापस बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के लिए क्या क्या चीज है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है

एग्रीमेंट टू सेल कब सेल में कन्वर्ट होता है जब या तो टाइम पार जाता हो जाता है या फिर जो था वो फुलफिल हो जाता है एलिमेंट्स क्या क्या है ये दो तरफा प्यार है इट्स अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एटलीस्ट टू पार्टीज इन्वॉल्व सेलर नेचुरली नंबर सब्जेक्ट मैटर क्या है गुड्स गुड्स है goods future, है कैन बी और फ्यूचर ठीक प्राइस का होना जरूरी है प्राइस होना जरूरी है बिना प्राइस का काम नहीं चलने वाला इधर इट कैन बी पेड और पार्टली पार्टली इन इन कैश काइंड अलाउड है जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स है मस्ट टेक प्लेस कॉन्ट्रैक्ट जो है एप्सलूट भी हो सकता है कंडीशनल भी हो सकता है और जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो भी एप्लीकेबल होने चाहिए ठीक है वैसे तो सर बहुत सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनरशिप वैसे तो प्रॉपरली ओनरशिप का डेफिनेशन जो है क्लियरली दिया हुआ नहीं है बट अगर मैं ओनरशिप की बात करूं अगर मैं ओनरशिप की बात करूं कि कब हम मानेंगे कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो चुका है ठीक है वैसे तो ओनरशिप का मतलब डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हो गया है तो सिंपल सा बात है जब सर सर हम लोग ओनरशिप ट्रांसफर तब मानते हैं जब किसी इंसान के पास में राइट टू सेल का ऑप्शन होता है राइट टू डिस्पोज ऑफ राइट टू डिस्ट्रॉय राइट टू अर्न इनकम ठीक है राइट टू प्लेज इस टाइप के कई सारे राइट अगर किसी के पास में आ जाते हैं कोई एक स्पेसिफिक राइट right नहीं राइट टू यूज जैसे राइट टू यूज अब मैंने एक बार के लिए किसी को भाड़े में सामान दे दिया तो उसके पास राइट टू यूज आ गया ठीक है तो हम उसे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं मानते हैं जब सारे राइट आ जाते हैं राइट टू तो यूज भी आ जाता है राइट टू तो डिस्पोज ऑफ ठीक है राइट टू तो प्लेज इसको हम लोग गिरवी में भी डाल सकते हैं राइट टू तो डिस्ट्रॉय राइट टू तो अर्न इनकम ऐसे कई सारे राइट अगर मेरे को कोई सामान से मिल जाता है तो हम मानेंगे कि ओनरशिप मिल चुका है तो मैंने आप सबको प्राइस का मतलब भी समझा दिया प्राइस का कंडीशन भी बता दिया मैंने प्राइस का कंडीशन में मैंने आपको बता दिया है मैंने आपको सेलर का डेफिनेशन भी बता दिया मैंने आपको सेल क्या होता है एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टी का मतलब यानी ओनरशिप का मतलब भी मैंने वर्बली बता दिया और गुड्स का डेफिनेशन भी आपको बता है ठीक है जिसके पास में एक बार ओनरशिप क्योंकि मैंने वर्बली बताया तो मैं आपको बता दो सर ओनरशिप कब मानेंगे कि कि किसी के पास में ओनरशिप है ठीक है ओनरशिप कब मानेंगे हम लोग नंबर वन सर किसी के पास में राइट टू यूज होगा नंबर टू राइट टू डिस्पोज होगा डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी मतलब वो बेच भी सकता है नंबर थ्री राइट टू डिस्ट्रॉय वो चाहे तो डिस्ट्रॉय भी कर सकता सामान को मेरा फोन है मैं डिस्ट्रॉय करो मेरी मर्जी राइट टू अर्न इनकम ठीक है फिर राइट टू मैं व्हाट यूज डिस्पोज ऑफ डिस्ट्रॉय कर सकता है अर्न इनकम ठीक है राइट टू प्लेज कर सकता है आप तो जैसे कई सारे राइट्स है केवल एक राइट नहीं बहुत सारे राइट अगर किसी को मिल जाता है कोई पर्टिकुलर सामान के ऊपर तो हम बोलते हैं कि वो सामान का ओनर बन चुका है तो मैंने आपको केवल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से शुरू किया बिकॉज़ सोगा इज एप्लीकेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को मैंने तोड़ दिया तो एक्सप्लेन यू द डिफरेंट डेफिनेशंस और हम लोग जो है उनको पढ़ लिए ठीक है सर बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है यहां तक सब कुछ समझ आया आ गया है ओके ग्रेट ग्रेट हाय जय श्री राम ठीक है यस yes. बिल्कुल समझ में आ गया सर ठीक है द लास्ट लेग ऑफ डेफिनेशन जो हमें याद करना है इस यूनिट में वो है द डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी क्योंकि सामान सिर्फ खरीदने से काम नहीं होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इट डिलीवरी हाँ, ये राइट टू रीसेल डिस्पोज ऑफ मतलब रीसेल ही हो गया बेसिकली डिस्पोज रीसेल समझ गया ना वही वाला पार्ट है ठीक है बस अभी खत्म होने वाला है थोड़ा देर में खत्म हो जाएगा क्लास ठीक है yes. यस सर तो ये मेरे सारे डेफिनेशन आपको करवा दिए हैं ठीक है अब जो बचा है आपका सिर्फ और सिर्फ

सिलऑफ गुड्स पढ़ते आ रहे हैं उनको काफी ईजी लग रहा होगा मेरे हिसाब से और कहीं अगर बच्चे नए हैं और फिर भी आपको समझ में आ रहा है इट वेरी गुड साइन ठीक है अगर बाई चांस आपको तो थोड़ा सा डिटेल में देखना है तो आप डेफिनेटली यू कैन गो टू द स्पेशल क्लासेस एंड वॉच द लेक्चर्स ठीक है सेकेंडली सर अगर आपको ये समझ में आ गया है यूनिट नंबर वन जब खत्म हो जाएगा आपका तो आप जाके प्लीज स्पेशल क्लासेस में जाके क्यू एंड ए जरूर से देखिएगा ठीक है मुझे तो टाइम का पता भी नहीं है भाई मैं तो बस फ्लो में चल रहा हूँ और ना मैंने आज एक मिनट भी आपके साथ में कोई भी मस्ती वाली बात भी की है आई एम जस्ट स्ट्रेट अवे बैंग ऑन गोइंग ऑन

एट थर्टी पी एम सोगा का यूनिट नंबर थ्री का बहुत भारी टॉपिक कराने वाला हूं मैं ये तो रिकॉल लेक्चर है वहां पे भारी लेक्चर करा रहा हूं ठीक है तो वहां पे साढ़े आठ बजे आपको स्पेशल क्लास में आना है रात को साढ़े आठ बजे साढ़े आठ बजे नाइस आई डिलीवरी का मतलब क्या होता है देखिए देखिए प्राइस आपने पे किया हो या प्रॉमिस किया हो प्राइस आपने पे किया हो या प्रॉमिस किया हो वो जरूरी नहीं है वो जरूरी है प्राइस आपने पे किया हो या प्रॉमिस किया हो वो ठीक है किया है तो ठीक है नहीं किया तो भी ठीक है बट डिलीवरी होना जरूरी है और डिलीवरी का मतलब क्या है सर डिलीवरी का मतलब ठीक है डिलीवरी का मतलब क्या इट इज वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन अगर आपने वॉलेंटरीली अपने इच्छा से अपने मन से अगर आपने ट्रांसफर किया है गुड्स को अगर आपने जबरदस्ती का गुड्स को ट्रांसफर किया उसको हम डिलीवरी नहीं मानेंगे इट इज द वॉल्ट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर कई बच्चों ने मुझे टेस्ट के लिए पूछा था टेस्ट के लिए मैं आप सबका टेस्ट जो है वो लूंगा संडे को नेक्स्ट संडे मतलब द कमिंग संडे यू विल हैव अ टेस्ट ठीक है आप सबको मैं पेपर भेज दूंगा जब मैं टाइमिंग दे दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में ठीक है और कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगा आपके लिए इंडियन अकेडमी ऐप और वहां पे आपको टेस्ट देना है सिलेबस वगैरह सब कुछ मैं डिफाइन कर दूंगा आपके लिए आपको मैं जस्ट टाइम के पहले सोचो अगर टेस्ट एक घंटा दस मिनट का है तो एक घंटे दस मिनट पहले मैं पेपर दूंगा आप लोगों को पेपर करना है उसके बाद में विल मीट इन द स्पेशल क्लासेस एंड वी विल सॉल्व द पेपर ठीक है यस इट विल बी ऑन द स्पेशल क्लासेस नॉट ऑन वाइटिंग इट विल बी ऑन द स्पेशल क्लासेस ठीक है यस yes.

पढ़ एल एल पी भी डाल सकता हूँ एल एल पी का डाल दू मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग का खाली एक ही काम है बाकी चैप्टर्स तो मैं आपको दबा के करा ही रहा हूँ आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आर्ट को करते रहिए पीछे पीछे ठीक है अरे सुबह सुबह यार दे देना तो यार एक घंटा का टेस्ट है आई अंडर दिवाली तो मंडे को दे दो तो यार टेस्ट अगर आपको संडे को मन नहीं है तो डिसाइड कर लेंगे एल एल पी का एक दो सवाल डाल सकता हूँ सोगा का पहला दो तीन यूनिट डाल सकता हूँ करवाऊंगा आपको एंड कंपनी से आपका एक दो सवाल डाल सकता हूँ तो यू मे बीपेयर एक हफ्ता का टाइम है आपके पास ना अच्छा खासा वक्त है आप तो प्रिपेयर कर सकते हो पीछे पीछे मैं आपको बोलूँगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स यू स्टार्ट डूइंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मोस्ट लाइकली हम पार्टनरशिप एक्ट जहाँ जल्दी खत्म होगा अगर स्पेशल क्लासेज में हमने सोगा पहले खत्म कर दिया तो वहाँ पे अदरवाइज यहाँ पे जैसे भी होगा हम लोग पार्टनरशिप एक्ट शुरू कर देंगे वही सेम प्रोसेस एक जगह रिकॉल चलेगा एक जगह आपका फास्ट ट्रैक लेक्चर चलेगा ठीक है यस सुबह द मॉर्निंग यू कैन डू इट ठीक है यस सर सर मजा आ गया सर ऐसा लग ही नहीं रहा सर ऑफलाइन करने कर रहे हैं तो देखो मजा अलग ही होता है वो तो अलग ही बात है बट ऑनलाइन भी बहुत मजा आ रहा है सर डेफिनेटली डेफिनेटली विल मीट ऑफलाइन समडे ठीक है आइए हाँ जी मंडे को ले लेंगे ट्यूजडे को ले लेंगे मैं डिटेल्स दे दूंगा आपको हाँ एक्जैक्टली सुबह तो आप फ्री रहते हो बट ठीक है अगर आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं हम एक डेट फाइनल करके डेट्स ले लेंगे ठीक है अभी हम लोग आइए डिस्कस करते हैं लेट्स नॉट वेस्ट टाइम डिलीवरी ठीक है दिलीप भाई सिलेबस ठीक है मैं एक बार के लिए आपको काम करता हूं चार्ट में एक बार के लिए मैं टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर देता हूं बाकी आप एक बार के लिए रात को आज स्पेशल क्लासेस प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा वहां मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस एट एट थर्टी पी ठीक है वहां पर मैं टेलीग्राम का लिंक आपको ज्वाइन कर दूंगा आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो मैंने लिंक ज्वाइन कर दी आपको दे दिया लिंक आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो या फिर शशांक साहब सर्च कर सकते हो आप ठीक है फाइनलाइज प्लीज मी टुडे एट थर्टी पी एम क्लास ऑन ऐप फॉर द स्पेशल क्लासेस स्पेशल क्लासेस का लास्ट डे भी है ऑफर का यहाँ पे आप पूरा एक्सेस ले सकते हो कोई भी डाउट्स वगैरह का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं मैं लिंक भी डाल दूंगा और टेस्ट जो है वो भी आपका स्पेशल क्लासेस में ही होगा तो आपको वहीं से भी आना पड़ेगा तो फॉलो नहीं किया का लिंक मिल जाएगा स्पेशल क्लास का लिंक मिलेगा वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिए अभी मुझे फॉलो करके रखिए वहां अपडेट मिल जाएगा आज के रात को 8:30 थर्टी पी का स्पेशल क्लास अटेंड करो आज रात के अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो रात के साढ़े आठ बजे का स्पेशल क्लास अटेंड करो वहां पे आपको सारे इंफॉर्मेशन में दे दूंगा रिगार्डिंग ठीक है यस सर। आई ठीक है आई नेक्स्ट डिलीवरी डिलीवरी का मतलब क्या था वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ गुड्स और पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, ठीक है इट इज अ वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर यस सर

ओनरशिप नहीं होता पोजेशन और ओनरशिप अलग अलग भी हो सकता है इट इज अ वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर मतलब इन सिंपल लैंग्वेज क्या है किसी भी तरीके से आपने कुछ भी ऐसा किया जिसकी वजह से जो पोजेशन है ना पोजेशन है जो गुड्स का वो ट्रांसफर हो गया टू तो द बायर या फिर एनी अदर ऑथराइज पर्सन उसको हम डिलीवरी मानते हैं डिलीवरी तीन टाइप का होता है एक्चुअल डिलीवरी कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी एक्चुअल डिलीवरी कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी सो डिलीवरी आर ऑफ थ्री टाइप्स एक्चुअल डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी सर एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है जब गुड्स को हम फिजिकली डिलीवर करते हैं हम आपको फिजिकली डिलीवर करते हैं कि मैडम सर मनोज जी मनोज जी प्लीज ये सामान ले लीजिए मेरे से फिजिकली मैंने ट्रांसफर किया है उसे हम लोग बोलते हैं एज एक्चुअल डिलीवरी क्या बोलते हैं उसके एज एक्चुअल डिलीवरी सो यू मीन बै कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यू मीन डिलीवरी सर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है हम गुड्स की कस्टडी को चेंज नहीं करते हैं कहाँ रखा हुआ था वेयर हाउस में रखा हुआ था एंड वेयर हाउस को रखने वाला सामान रखने वाला को बोलते हैं बोलते हैं उसको एज वेर हाउस कीपर, कीपर. ठीक है वो वेयर हाउस कीपर के पास में पूरा रसीद रहता है कि वो गुड्स जो रखे हुए ना अलग अलग सामान जो रखे हुए किसके किसके नाम पे है मैंने क्या किया बताया क्या मैंने बोला मेरे पास में इन सामान में मेरे पास बहुत सारा गेहूं था गेहूं मेरे पास बहुत सारा गेहूं रखा हुआ था मेरे वेयर हाउस में ठीक है और ये कशिश जो है कशिश मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि सर मुझे गेहूं खरीदना है मैंने बोला सुन कशिश मेरे पास में ना वेयर हाउस में मेरे ही वेयर हाउस में खूब सारे गेहूं पड़े हुए हैं आप चाहो तो वो परचेज कर सकते हो कशिश ने बोला ठीक है सर ग्रेट सर फ्रेट ग् सर मैं बोला कहाँ डिलीवरी कराऊँ कशिश ने बोला एक काम कीजिए ना आप अपने वेयर हाउस में रखवा दीजिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है और अपने वेयर हाउस को बोल दीजिए वेयर हाउस कीपर को बोल दीजिए मैंने बोला ये भी सही बात है ठीक है तो वेर हाउस कीपर को मैंने बोला मैंने कीपर को मैंने एक्नॉलेज किया ठीक है कीपर 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 को को एक्नॉलेज किया ने बोला कीपर ने बोला कि सुनिए आपसे ना जो गेहूं रखा हुआ है ना आपके वेयर हाउस में उसका मालिक मैं नहीं हूँ आप कट करके कशिश लिख लीजिए क्या लिख लीजिए कशिश लिख लीजिए ठीक है कशिश लिख लीजिए आप लोग ठीक है तो उसने बोला सर कशिश लिखना है आपका नाम काट दू उसने एक्नॉलेज किया मेरे साथ में मैंने बोला हाँ हाँ नाम चेंज कर दीजिए तो आप मुझे बताइए इसमें मजेदार चीज क्या हुआ गुड्स अपने ही जगह में है गुड्स का पोजेशन चेंज ही नहीं हुआ गुड्स का कस्टडी जो है कस्टडी या पोजेशन जो है सॉरी गुड्स का कस्टडी जो है या फिर एक्चुअल पोजेशन जो है चेंज नहीं हुआ गुड्स का जो कस्टडी है और पोजेशन जो है वो चेंज नहीं हुआ वहीं का वही है बट डिलीवरी हो गया और डिलीवरी कैसे हुआ बाय वे ऑफ एन एक्नोलॉजमेंट या अटॉन्मेंट भी बोलता है इसको या फिर एक्नोलॉजमेंट ठीक है तो गुड्स वहीं का वही है द कस्टडी ऑफ गुड्स इज नॉट चेंज द कस्टडी ऑफ गुड्स द कस्टडी ऑफ गुड्स डिड नॉट चेंज गुड्स वहीं का वहीं है गुड्स वहीं का वहीं है बट आपने गुड्स को डिलीवर करा दिया बाय बाय वे ठीक है by way of an acknowledgement या फिर atonment. उसको हम लोग बोलते हैं एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और यहां पे वेयर हाउस वाला जो वेयर हाउस कीपर वाला एक्साम्पल है ये बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है जो आई थिंक एवरीबडी द सेम एग्जाम्पल क्या हुआ भाई कान में दर्द है क्या नहीं

उसको हम बोलते हैं डिलीवरी सामान वही का वही है कस्टडी चेंज नहीं हुआ बट आपने एक्नोलेज कर दिया और गुड्स ट्रांसफर हो गया डिलीवर हो गया उसे हम बोलते हैं है, yes. है, सर? है, सर आपका स्पेसिफिक डिलीवरी स्पेसिफिक डिलीवरी सर क्या होता है सॉरी सिंबॉलिक डिलीवरी सबसे पहला क्या है सर सिंबॉलिक डिलीवरी ठीक है सिंबॉलिक डिलीवरी थैंक यू मनोज थैंक यू है सिंबॉल डिलीवरी सर क्या होता है इसमें क्या होता है सर आप एक्चुअली में सामान को डिलीवर नहीं करते हो उसके बदले कुछ सिंबॉल या फिर कुछ टोकन या कुछ दे दिया तो चा भी नहीं मिल रहा है। नहीं तो अगर मैंने गाड़ी की जगह आपको चा भी दे दिया तो आप मुझे बताइए ये अपने आप में क्या है मैंने गाड़ी की चा भी आपको पकड़ा दी मैंने अगर गाड़ी की चा भी आपको पकड़ा दी या फिर टोकन पकड़ा दिया या फिर आप हल्दीराम्स में गया और हल्दीराम्स ने आपको टोकन पकड़ा दिया टोकन देखा मैं टोकन वो टोकन या फिर चाबी अपने आप में गुड्स की डिलीवरी मान ली जाती है गुड्स की टोकन मान ली जाती है गुड्स की टोकन मान ली जाती है डिलीवरी, डिलीवरी जब आप समान नहीं करते हो बट डिलीवरी ऐसा कुछ है ट्रांसफर तो कर दिया है आपने गुड्स को ट्रांसफर आपने गुड्स को एक्चुअल में वो नहीं किया दिया नहीं है बट उसके बदले में कोई ऐसा सामान दे दिया या फिर टोकन दे दिया या फिर सम अदर थिंग या फिर डॉक्यूमेंट इन टाइटल दिया विच ऑटोमेटिकली which automatically proves that the goods have been handed over. Where automatically the goods have been handed over. ठीक है हो जाएगा आज यूनिट नंबर one कर ही रहे है। दिस हैं कहते हैं कि within this week हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि फास्ट भी ना जाना आया करे और जो बच्चे अगर पहली बार देख रहे हैं उनको भी इजी आ जाए अब जैसे एग्जांपल आपको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट आ गया कि मुझे और थोड़ा सिंबॉलिक डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के बारे में देखना है तो आप जो है मेन लेक्चर में देख सकते हो स्पेशल क्लासेस में जाके आप देख लो, उसमें में और लेट, -लेट के बताया है ठीक है बस क्योंकि -फट सामान तो नहीं दिया कहते हैं नहीं दिया किसी ने नहीं दिया नहीं दिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है अगर टोकन मिल गया तो वो एक डॉक्यूमेंट टाइटल है वो बताऊंगा अभी क्या क्या होता है ठीक है ना समझ में आया तो एक्चुअल डिलीवरी क्या हैं एक्चुअल फिजिकली हम लोग डिलीवर करते हैं

टोकन और थिंग और समथिंग एल्स डॉक्यूमेंट एंड टाइटल आना चाहिए ये सब शब शब्द अगर आपके एग्जाम में आ गया वॉल्टी ट्रांसफर ऑफ गुड्स ठीक है अगर आ गया तो आपका काम हो जाएगा फिजिकली डिलीवर्ड तो ये सब शब्द अगर अगर आ जाएंगे की वर्ड्स मैंने आपको कहा था ना कल की वर्ड पर फोकस कीजिए तो अपने की वर्ड्स को डालना है ताकि आपको बढ़िया से मार्क्स मिल जाए डिलीवरी मैंने करवा दिया सेल भी मैंने करवा दिया अब मेरी बात सुनो मैं छोटा टॉपिक करा रहा हूँ आपने यहां पे पढ़ा था किसमें में सिम्बॉलिक डिलीवरी में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ये इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपने अभी सिंबॉलिक डिलीवरी पढ़ा था उसमें मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बोला था ठीक है सर व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वो होता है जो अपने आप में में जो अपने आप आप सिंबलाइज करता है द गुड्स बता दीजिए जै। जैसे हल्दीराम्स में गए हल्दीराम्स में जैसे आप कुछ ऑर्डर करते हो हल्दीराम से फिर कहीं भी आप गए तो वो आपको एक टोकन देते हैं जिसके पास भी वो टोकन आ जाए वो उसके बदले सामान लेकर आ सकता है तो वो टोकन अपने आप में क्या है एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है क्योंकि जिसके पास एक टोकन ठीक है जिसके पास टोकन उसका ही बड़ा नाम है वही लेकर आ सकता है ठीक है समझ में आया डॉक्यूमेंट टाइटल क्या हो गया वो टोकन तो अपने आप में मान लेते हैं कि ये जिसके पास में रहेगा वही सामान का ओनर है उसको हम लोग बोलेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सर जी डॉक्टर ऑफ कैविट एमटर और, और एक्सेप्शन भी समझा दो प्लीज सिक्स मार्क्स कहां से हाँ।

वो जो है मैंने ऑलरेडी डाल दिया है अभी बाकी लोग सोच रहे होंगे भैया डिटेल लेक्चर शुरू से अगर आपसे कर लिए होते तो अभी तो अभी ही हो जाते हैं हम लोग है है आपका तो दीपक ने गलती है।, है, है वो ये है कि नो वन कैन गिव हिमसेल्फ एज यूनिट थ्री का पार्ट है ये मैंने स्पेशल क्लासेस के फर्स्ट दो लेक्चर में कराया है आप प्लीज जाके

टोकन में देखो सीधा सा बात है टोकन जिसके पास में है टोकन जिसके पास में है वही ओनर है टोकन मैं आपके से टोकन और किसी और को मिल गया तो वो क्या बन जाएगा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो अपने आप में ओनरशिप सिंबलाइज कर रहा है जो अपने आप में ओनरशिप सिंबलाइज कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एग्जाम्पल टोकन इन कैफे ठीक है चलता है, चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है ठीक है हाँ थोड़ा सा थोड़ा डाउन है है बर... बट कोई बात नहीं आपके लिए बनता ने अभी अभी का जनरल रूल को बहुत से स्पेसिफाई किया है वेरी नाइस करन ठीक है वेरी गुड आप लोग सब लोग प्लीज मेरे स्पेशल क्लासेस में ज्वाइन कर लीजिएगा बहुत मजा आएगा वहां पे करके आज हम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में ओनरशिप सिग्निफाई नहीं करते बट ये शो करते कि कौन ओनर होगा एग्जाम्पल सर आर सी देखा आपने गाड़ी का आर सी वो क्या है सर क्या जिसके पास आर सी होगा उसका गाड़ी हो जाएगा क्या नहीं

एक्सीलेंट सर बेसन से बनी कोई चिल्ला खा लो थोड़ा सा आराम मिलेगा चुका क्या बात है वेद जी भी बैठे हुए हैं हमारे साथ में हमारे सामने श्री श्री श्री, श्री वेद जी बैठे हुए हैं दीपक जी ठीक है जिन्होंने अभी बहुत ज्यादा गुरु मंत्र कहा है एक एक तो इतना तो छोटा लेटर ऊपर से पढ़ना पड़ता और हमें ये वेद जी जो है वेद जी का ज्ञान है क्या बात है क्या बात है अच्छा अभी नहीं आया एडमिट कार्ड ओके ठीक है ओके सर And today's last topic that we are about to finish up so that we can complete the unit together ठीक है हम लोग खत्म करेंगे आज के पार्ट को सर क्या पढ़ेंगे सर डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल ऑलरेडी हम लोग को ये वाला टॉपिक आता है हमने ऑलरेडी शुरू से ही करवा दिया है ठीक है तो ये वाला पार्ट आपको मैं फटक से ठीक है फटक से ये टॉपिक जो है मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपका ये वाला टॉपिक जो है समाप्त हो जाए एंड उसके साथ में आज का टॉपिक हम आज खत्म कर देंगे देन विल लेफ्ट विद अ फ्यू डिफरेंस सेल एंड हायर परचेज एंड सेल एंड बेलमेंट देन सेक्शन नंबर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन खत्म यानी कि कल वाले लेक्चर में आपका यूनिट नंबर वन जो है बिल्कुल सौ खत्म हो जाएगा ठीक है अच्छा मेरी बात सुनेगा बिकॉज इट इज अ रिकॉल लेक्चर तो नॉर्मली मेरा सिस्टम जो है जो लोग मेरे से शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनको पता है ये बात कि मैं बहुत रिपीटेशन करवाता हूँ ठीक है मैं बहुत रिवाइज कराता हूँ ताकि मेरे क्लास में ही आपका याद हो जाए रेगुलर क्लासेस में तो मैं और रिपीट करता हूँ मैं लिखवाता भी हूँ फास्ट ट्रैक में भी मैं रिपीट करवाता हूँ रिकॉल लेक्चर्स जो है बिकॉज नहीं तो अगर मैं रिकॉल करवाऊंगा वापस से पूरा चार चीजों को तो आपको आधा टाइम चला जाएगा रिकॉल में तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर किसी भी बच्चे ने अभी ज्वाइन किया है पहले ज्वाइन किया या फिर आपने रिकॉर्डेड किया है

और स्पेशल क्लासेस में अगर, अगर अभी तक आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया तो आप प्लीज स्पेशल क्लासेस में ज्वाइन करिएगा अपने आप को आपको, आपको उसमें और भी मजा आएगा आइए सर डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एग्रीमेंट टू सेल आज का आखिरी टॉपिक सभी लोग एकदम तो जोश में पढ़ेंगे ठीक है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा यूव स्टडीड अराउंड वन आवर फोर्टी मिनट्स पहले तो अपने आपके लिए क्लाब बजाओ मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ अभी मैंने देखा तो मुझे रियलाइज हुआ ठीक है यस आइए सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल

रेमिडीज क्या क्या अवेलेबल है अगर ब्रीच ऑफ सेल हुआ अगर बाई चांस आपने सामान नहीं दिया तो बायर कैन क्लेम फॉर प्राइस बायर कैन क्लेम फॉर प्राइस ठीक है बट एग्रीमेंट सेल में क्योंकि सामान तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ ओनली दैट ही कैन क्लेम इज डैमेजेस डैमेजेस आप केवल क्लेम कर सकते हो इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल बट इस केस में आप प्राइस प्लस डैमेजेस दोनों क्लेम कर सकते ठीक है ये क्या है सर एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है यहां पे इट इज कॉन्ट्रैक्ट ठीक है सर अगर बाई चांस सामान आपने खरीद लिया उसके बाद में कोई लॉस हो गया टूट गया एग्जाम्पल आपने फोन खरीद लिया सेल के वक्त में और वो फोन टूट गया ठीक है वो क्या हो गया टूट गया दैट केस उस लॉस के लिए कौन लायबल होगा बायर लायबल होगा तो एनी सब्सिक्वेंट लॉस के लिए एनी सब्सिक्वेंट लॉस के लिए कौन लायबल होगा सर बायर लायबल होगा ठीक है और सर क्योंकि एग्रीमेंट और सेल का केस में तो गुड्स ही ट्रांसफर नहीं हुआ तो कोई भी सबसीक्वेंट लॉस हो तो कौन रिस्पांसिबल होगा सेलर तो बायर होगा लायबल लॉस के लिए और सेलर होगा लायबल लॉस के परफेक्ट ठीक है ओके यस सर बर्डन ऑफ रिस्क सर बर्डन ऑफ रिस्क एज द वर्ड सजेस्ट बर्डन ऑफ रिस्क क्योंकि गुड्स ट्रांसफर होगा तो किसका ऊपर बर्डन ऑफ रिस्क रहेगा सर बायर के पास में रहेगा इन द केस ऑफ सेल एंड सेलर केस में रहेगा इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल अगर आपने बेसिस ऑफ डिफरेंस ध्यान से तो आपको पूरा का पूरा से क्लियर हो जाएगी नेचर ऑफ जस्ट इन मतलब दुनिया का कोई ताकत आपसे उसको यूज करने से मना नहीं कर सकता यू है राइट अगेंस्ट दी एंटायर वर्ल्ड अगर मेरे पास कोई फोन मैंने अभी खरीद लिया है तो वो फोन में पूरा दुनिया का कोई ताकत मुझे उस फोन को यूज करने से नहीं रोक सकता so, दुनिया की कोई भी ताकत

Remedies अगर ब्रीच हुआ तो प्राइस भी मिलेगा डैमेजेस डैमेजेस मिलेगा मिलेगा केस ऑफ सेल पे केवल केवल और cable damages क्योंकि गुड्स ट्रांसफर हुआ ही नहीं है अगर लाइब्रेरी किसका रहेगा सर अगर कुछ भी लॉस हुआ फ्यूचर में क्योंकि गुड्स बायर के पास आगे तो बायर वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस यहाँ सेलर वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस बर्डन ऑफ रिस्क किसका है बर्डन ऑफ रिस्क जो है वो इट फॉलोज रिस्क आप लोग तो अभी आज अगर आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आप पढ़ोगे रिस्क

आपको गुड्स के अगेंस्ट नहीं रोक सकते आप यूज कर सकते हो यहाँ पे क्या है जस्ट इन परसोना जस्ट इन परसोना मतलब उस पर्टिकुलर अगेंस्ट ही होता है ठीक है यस दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनिट थ्री आज करेंगे ये वाला पार्ट को हम साढ़े आठ बजे वाले क्लास में ठीक है यस सर और राइट ऑफ रीसेल किसके पास में सर ऑब्वियसली जब सेल होगा तो यू पावर टू राइट द सेलर डू नॉट है पार्ट टू कैनॉट रीसेल बट सेलर इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल कैन रीसेल द गुड्स बिकॉज अभी तक गुड्स का प्रोजेशन ट्रांसफर नहीं हुआ है उसके साथ में हमने यूनिट नंबर वन का आज पार्ट नंबर ए दैट इज रिकॉल लेक्चर नंबर वन को मात्र 1.3 आवर्स में अराउंड 70 परसेंट खत्म कर दिया है जहां पे हमने डिटेल तरीके से आप सबको ये वाला पार्ट करवाया है आई होप कि आपको लेक्चर काम आया है कल हमारे लिए क्या क्या बचा हुआ है टुमोरोज फिक्सर्स एट टुमोरो एट नाइन थर्टी ऑन वाई टी टूडे एट एट थर्टी पी एम ऑन द स्पेशल क्लासेज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एट थर्टी पी एम स्पेशल क्लासेस जो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं द ओनरशिप वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग रिस्क ट्रांसफर्स ओनरशिप जो आपने करन ने कहा वो वाली पार्ट पढ़ेंगे कल सुबह साढ़े नौ बजे हम लोग अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी कि कल हम लोग मोस्ट लाइकली यूनिट नंबर वन जो है ऑफ सोगा को समाप्त कर देंगे जी सर आई होप की आपको आज का लेक्चर मजा आया ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली लाइक कीजिएगा सर ठीक है और अगर भूलिएगा मत कि आप सबका आज मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक जो है वो आपको अनअकैडमी uh, के स्पेशल क्लास में अटैच कर दूंगा यू कैन आल्सो फॉलो द अनअकैडमी के पेज को भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहा है अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिएगा और डेडिकेशंस अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो कर सकते हो आपकी मर्जी है और स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल है चल रहा फ्रॉम द और दू सिक्स ओनली आज लास्ट डे है तो इसका अवेल पूरा करेगा आज शाम को साढ़े आठ बजे मैं चाहता हूं कि मैं आप सबको आओ आटर्स डू यूनिट नंबर थ्री के लेक्चर्स ठीक है मेरे साथ मेरी शायरी थोड़ी पढ़ लो हु हैज द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स कैन रीसील टाइटल ऑफ द गुड्स हाँ करण सेलर के पास में क्योंकि प्रॉपर्टी रहता है इन द केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल सेलर के पास राइट रहता है रीसेल बट इन केस ऑफ सेल क्योंकि अब ओनरशिप तो रहा ही नहीं उसके पास में तो वो रीसेल नहीं कर सकता करण का आंसर शायरी पढ़ा दो बता दो मेरे को गले क्या क्या शायरी है आपकी सरिश्का इफ सर ओनरशिप हमारे पास आएगी बट पोजेशन नहीं आए और किसी थर्ड पार्टी के पास में है

होगा एंड आई होप कि आप सबको बहुत मजा आ रहा है वीडियो को लाइक करके बिना मत जाएगा कमेंट करेगा जितने बच्चे शुरू से लेके लास्ट तक पढ़े हैं डेफिनेटली कमेंट कि आप सबको अच्छा लगा या नहीं लगा ठीक है डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा सभी लोग ठीक है लास्ट में जाके कि भैया मज़ा आ गया या जैसे भी अगर अच्छा नहीं लगा तो अच्छा नहीं लगा तो लिख देना कोई बात नहीं दिक्कत नहीं है मुझे कुछ भी

सर मैं दो महीने से सब भूल गया हूँ अब वापस मेहनत करनी लगी है वेरी नाइस मेहनत करने लग जाओ आराम से पास हो जाओगे गलती है कि आपने दो महीने तक नहीं किया बट अभी से करने लग जाओ देन इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू अगर बाई चांस मैंने किसी का, का मिस कर दिया डाउट तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए एक बार वन शॉट देख लीजिए या फिर एक बार लेक्चर मेरे देख लीजिए आपको शायद केस स्टडीज मेरे याद हो जाएंगे सारे के सारे